हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कर्दम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब। 17 जनवरी 2019 रेलवे कांस्टेबल एग्जाम का सेकंड सेप का एग्जाम अभी भी हुआ है। हमने किए थे 82 109 वो सतलज नदी कहाँ पर यू टर्न लेती है भारत में, एक तो ये क्वेश्चन था। दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है उसे कौन अपॉइंटमेंट करता है? रीजनिंग सही थी, जी थी, मैथ भी जी था, बस जीएस थोड़ी टफ थी। जीएस में क्या क्वेश्चन पूछा? जिसमें जैसे जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ पर यू टर्न लेती है, एक हिमालय से भी था और ये सियादवाद किस धर्म से संबंधित है ये भी था। कितने क्वेश्चन किए? 80। दिल्ली का वास्तुकार कौन है ये भी क्वेश्चन आया था। दिल्ली का वास्तुकार कौन था? एडमिरल लुटियंस था, ये ऐसे क्वेश्चन आए थे। हड़प्पा संस्कृति से भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आ रहे थे जैसे कि कोई जैसे टेनिस है तो टेनिस जैसे उसमें कोई शब्दावली होती है उसके क्वेश्चन आ रहे थे, मुझे क्वेश्चन ध्यान नहीं है। वॉलीबॉल से क्वेश्चन आ रहा था कि ये जो टर्म है वॉलीबॉल से कौन सा टर्म मतलब स्थित है। और एक था जो यूथ ओलंपिक था तो उसमें खेल दे रखे थे 4, तो उसमें से पूछ रहा था कि इसमें कौन सा खेल शामिल नहीं था इस यूथ ओलंपिक्स में। कुछ सर फिल्मों से आया हूँ। हाँ फिल्म बताइए, वो फिल्म कौन सी थी पहली? वो फिल्म की वो कौन सी थी? वो हरिचंद्र वाली, वो भी आया था। कोई बुक्स वगैरह पूछी किसी की? नहीं, बुक्स का कोई क्वेश्चन नहीं। संविधान में सर था कि ऐसा कौन सा राज्य है उसमें सबसे अलग संविधान है? जम्मू कश्मीर वाला आया था। हाँ जी भाई साहब, कौन सा अटैम्प्ट किया? 100 क्वेश्चन करे भैया। राज्यसभा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति? पॉलिटी से एक तो आपका जम्मू कश्मीर वाला था, कॉन्स्टिट्यूशन है जो मतलब संविधान अलग है उसका, सबसे अलग है। उसने ये पूछा था कि हमारे देश के अंदर किस कौन सा एक ऐसा स्टेट है जिसका संविधान सबसे अलग है। हाँ, और एक ये था ये बच्चों के लिए मतलब एक आर्टिकल था, बच्चों के लिए भी था। क्या था? अनुच्छेद में रखा गया। हाँ, बच्चों को मतलब कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? और भी थे हमारे जैसे मैं तो नॉर्मली था, रीजनिंग भी नॉर्मल थे। रीजनिंग में जो वो होते हैं ना तर्क एवं शक्ति वाले, वो क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे उनके। सिटिंग अरेंजमेंट वाले? हाँ नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट वाले तो थे ही, लेकिन जो क्या थे सर? सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आए थे, जैसे कि 4 लड़कियां दे रखी थी और वो 4 सब्जियों से ही संबंधित थी, तो उसमें पूछ रहा था सीटिंग अरेंज करने के बाद कि उसमें कौन उसके साथ में, कि जैसे कोई सब्जियां दे रखी है सेम, तो उसमें कई लड़कियां हैं 4, जैसे राधा और अदर भी हैं रुचि, तो उसमें पूछ रहा था रुचि कौन सी सब्जी मतलब पसंद करती है या कौन सी नहीं पसंद करती है, तो और उसका अरेंजमेंट पूछा था कि उसमें रुचि के बगल में कौन बैठा है, ऐसे क्वेश्चन पूछा था। बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन दे शायद मेरे हिसाब से, तो उसमें एक कोशिका पर आधारित था, जैसे कि जंतु कोशिका में कौन सी कोशिका नहीं, जंतु कोशिका में कौन सी कोशिका नहीं होती है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो मैंने तो प्लास्टिड लगाया था जो कि पौधों में पाई जाती है। टेक्नोमेट्री से कुछ आया हो? वर्ल्ड ज्योग्राफी है, जो मेक्सिको नदी है वो कहाँ से निकलती है ये था, और किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है ऐसे पूछा था, तो उसमें मॉस्को ऐसे कुछ करके था उसमें ऑप्शन, और 4 ऐसे करके 4 नदी थी वर्ल्ड की जो कि यूरोप में ही आता है उसी के पास में थी। हाँ रीजनिंग में आया था, एक था वाटर इमेज वाला और एक था मिरर इमेज वाला, 2 क्वेश्चन थे, एक एक क्वेश्चन दोनों को मिला के। क्या क्वेश्चन थे? वाटर इमेज में ऐसे था कोई ABCD दे रखे, मतलब कोई अक्षर दे रखे ABCD, तो उसका पूछ रहा था कि इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी, और ऐसे ही मिरर इमेज में भी पूछ रखा था जैसे ABCD दे रखा था मतलब अल्फाबेट, तो उसका वाटर इमेज पूछ रहा था कि उसका वाटर इमेज कैसा होगा, तो ऐसे 2 क्वेश्चन मिले थे हमको। रेल से क्या क्वेश्चन पूछे गए? रेल से नहीं क्वेश्चन दिखाया नहीं दिखा, कोई नहीं आया। एवरेज से? हाँ एवरेज से था, एक क्वेश्चन था एवरेज से, जैसे कि एक मतलब 5 संख्या दे रखी है, तो उसमें पूछ रहा था कि बताओ मतलब जैसे कि उसका टोटल ओवरऑल एवरेज कितना दे रखा है। करके दे रखा था 4 सब्जेक्टों का एवरेज, में एक ही बार में दे रखा था 80 था, उसमें अलग अलग करके दे रखा था, 3 का दे रखा था, चौथे का मतलब डिसाइड करना था चौथे का कितना हुआ ऐसे करके था। और हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, जैसे 4 धर्म दे रखे थे उनमें से कौन सा हमारा पाषाण को मानता है ऐसा कुछ करके था, हिस्ट्री से ओल्ड हिस्ट्री से था। किससे? गेम से हाँ मतलब एक वॉलीबॉल गेम से था, मतलब उसमें आंसर में वॉलीबॉल था कि ये कौन से मतलब एक नाम है जैसे कि अटैक लाइन किससे रिलेटेड है, तो ये वॉलीबॉल से था, ऐसे करके एक क्वेश्चन और था ऐसे ही। कितने क्वेश्चन? एक और जी 120 क्वेश्चन मैंने, 100 क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन पूछे गए? क्वेश्चन ज़्यादा वो मतलब डिफिकल्ट नहीं थे, जैसे नॉर्मल थे। जीएस है ज़्यादा क्या आया था? जीएस में आधुनिक भारत
हड़प्पा सभ्यता। क्या क्वेश्चन थे उसे? जीएसके तो क्वेश्चन जैसे साबरमती आश्रम, जैसे दंड यात्रा शुरू की थी महात्मा गांधी ने, ये भी था और मतलब चिकित्सा से संबंधित। क्या मतलब आयुर्वेद वगैरह ऐसा सिस्टम था ना, चिकित्सा से कौन सा भी संबंधित है। अच्छा और ये था जीएस में कोई ज्यादा नहीं था, नॉर्मली था, मतलब सब हो गया था। संविधान से दो तीन क्वेश्चन थे, जैसे राज्यपाल किसमें आता है और दिल्ली का जैसे मुख्यमंत्री उसकी नियुक्ति कौन करता है। इसका लोकसभा पीसीएस था ना, उसका जो अध्यक्ष है उसे कौन किसके द्वारा हटाया जा सकता है? वो राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है। हाँ राज्यपाल का था एक और यूपीपीसीएस का था। राज्यपाल कहाँ से लिया गया? कनाडा से था। ये भी ये था कनाडा, इसका आंसर था। और एक खेल से था, ये चार खेल दे रखे थे। किस खेल में रनिंग नहीं करनी पड़ती है उसमें आपका स्कोप था एक स्कोप था, हाँ खो खो था और एक घोड़े स्विमिंग स्विमिंग था, स्कोप था और एक और था पोलो नहीं है क्या बोलते हैं रीजनिंग में ब्लड रेसिंग से दो तीन क्वेश्चन थे। क्वेश्चन तो ऐसे पता नहीं है लेकिन ऐसे माता पिता के बारे में कथन निष्कर्ष थे उनके, लैंग्वेज काफी लंबी थी उनकी, मतलब लैंग्वेज पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा था। सकते हो क्या थे कथन निष्कर्ष? कथन निष्कर्ष एक मिनट, हाँ एक कथन निष्कर्ष था, सभी पौधे पेड़ हैं, कुछ पेड़ पौधा है, कोई जानवर है तो उसमें दे रखा था ऑप्शन फर्स्ट दूसरा तीसरा उसमें लगाने को लिए। और एक क्वेश्चन ये था जीएस में, मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाता है, उपराज्यपाल या राज्यपाल या मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री? तो उसमें था उपराज्यपाल। केंद्र शासित राज्य सबसे लास्ट में कौन सा वाला बना है? पांडुचेरी ऑप्शन में था, दमनदीप था, दिल्ली था और एक छत्तीसगढ़ चंडीगढ़ था। ये चार ऑप्शन थे। पहाड़ों से क्वेश्चन आया था? हाँ सर आया था एक। हाँ ब्रह्मपुत्र मतलब इंडिया में कहाँ से यू टर्न लेती है, जब एंटर करती है यहाँ से, जैसे नेपाल जो आसाम साइड में जाके वेस्ट बंगाल साइड में जाके एंटर करती है वहाँ से यू टर्न कब लेती है? वापस जाती तो उधर ही है, यू टर्न कहाँ लेती है? ऐसा आया था नदियों के की सतलज नदी और काली नदी के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है वो क्या होता है, कुमाऊं हिमालय, ऐसे क्वेश्चन आया था। सबके पीछे लगा हुआ था कौन सा वाला हिमालय क्षेत्र कहलाता है? पंजाब हिमालय कहलाता है, कश्मीर हिमालय कहलाता है और नेपाल हिमालय कहलाता है, एक और था हुमायूं या कुमाऊं हिमालय कहलाता है। ये हमारा माइंड से आउट था। और जीएस में एक आया था क्वेश्चन सर कि ऐसी फसल कौन सी है जो तूफान आता है जब बोई जाती है, जायद की फसल या रबी की फसल या खरीफ की फसल? ये आया था सर जीएस क्वेश्चन। केमिस्ट्री से क्या क्वेश्चन आया? केमिस्ट्री सर नहीं आया, केमिस्ट्री इतना नहीं रहा था, एक दो और रहा हो तो रहा। एक भागोस वाला संयोजकता, जैसे आठ ही है संयोजकता क्या हो सकती है उसकी? आठ की संयोजकता बताया, जैसे एक परमाणु क्रमांक पूछ रखा था उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है जेड, और एक यह पूछा था कहते कोई भी एटम है तो उसकी बाहरी कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता क्या हो सकती है, तो उसकी संयोजकता क्या हो सकती है, तो जीरो हो सकती है, ये क्वेश्चन आया था। ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर से क्या क्वेश्चन पूछे गया? करंट अफेयर एक ही क्वेश्चन नहीं था, करंट से तो हमें कुछ दिखाई नहीं था, वो मतलब एक क्वेश्चन था स्थिरांक क्या था कुछ था, नहीं था करंट का नहीं था, करंट का नहीं था, लेकिन वो 1992 में पृथ्वी दिवस कहाँ मनाया गया था, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। जनवरी ब्राजील की राजधानी कहाँ है? जर्मनी की राजधानी, जर्मनी की राजधानी योजना कोई नहीं आई सर। एक पूछा था जैसे ब्राजील, शायद ब्राजील का पूछा था, घास होती है ना चार जो घास थी पंपास वगैरह स्टेबिल वगैरह, उसमें घास करके नहीं दिया था, वो कुछ अलग स्टाइल से पूछा था लेकिन पूछ घास ही को रहा था। हाँ कॉफी के खेती के बारे में पूछा था लेकिन घास के ऑप्शन थे। ब्राजील में जो कॉफी उत्पादन होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आया था। जो घासों के नाम थे वो चार स्टेबी दे रखे थे, सवाना दे रखे थे, पंपास दे रखा था और एक और दे रखा था। पाँच छह क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, पांच से छह के मतलब पांच से आठ क्वेश्चन कह सकते हैं कि मेंसुरेंस से मतलब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस ये सारे क्वेश्चन टोटल मतलब अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे क्वेश्चन उसके सारे क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे करके पूछा, कहने का मतलब ये है कि जो ज्योमेट्री है मेंसुरेशन है उसमें से लगभग चार से पांच क्वेश्चन मैक्सिमम इतने से ज्यादा नहीं पूछे गए। साइंस में कितने क्वेश्चन पूछे? मैथ अच्छे क्वेश्चन थे, सात आठ क्वेश्चन तो नॉर्मल होंगे। साइंस में तो थी उसमें ज्यादा मैथ में से परसेंट का ज्यादा स्कोप ज्यादा था,
हर चीज से घुमा के वो परसेंट निकलवा रहा था बस, छोटे छोटे क्वेश्चन थे लेकिन परसेंट ही निकलवा रहा था। किस चीज के परमाप था, एक परमाप वाला वो हाँ विकेट पूछा था कि कोई एक एक फिगर दे रखा है तो उसमें पूछ रहा था नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे इसमें, और एक पूछा था हाँ वर्ग कितने होंगे, और एक क्वेश्चन ऐसा था कोई एक आकृति दे रखी थी तो उसमें क्वेश्चन का जैसे कि लाइंस कितनी है, मतलब कोई आकृति है तो कितनी लाइंस बनी हुई है, ऐसे दो क्वेश्चन दिखाई दिए थे, ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट लाइंस पूछी थी उसने। लोक नृत्य नहीं था, कंप्लीट लाइंस पूछी थी, और एक क्वेश्चन था कि मतलब जो ट्रायंगल बनना है वो समान लाइन वाले त्रिभुज कितने थे, त्रिभुज तो ज्यादा बन रहे थे लेकिन समान लाइन वाले एक जैसे ही समबाहु त्रिभुज। मैथमेटिक्स में किसके टॉपिक टच किया गया, परसेंटेज मेरे अकॉर्डिंग तो परसेंटेज पुल एज ए ट्रेन का एक क्वेश्चन ऐसा था कि एक ट्रेन दे रखी है उसकी लंबाई नहीं दे रखी थी, उसकी लंबाई उसमें फाइंड करने को थी और पुल दे रखा था, पुल पे ये एक सिग्नल है तो जब मतलब एक ट्रेन सिग्नल को पार करती है तो इतने सेकंड में करती है और जब पुल को पार करती है इतने सेकंड में, तो इसमें डिस्टेंस ऑफ ट्रेन पूछा था सर परसेंटेज के, उसके सिंप्लीफिकेशन में परसेंट के हिसाब से क्वेश्चन आया है, जैसे सिंप्लीफिकेशन दे रखा है तो उसका इतना परसेंट का की, और बॉड मास जो आधार पर क्वेश्चन होते हैं उसमें से भी काफ़ी लगभग तीन चार क्वेश्चन उसमें से भी आए। मेन स्टूडेंट से सर एक क्वेश्चन मैंने देखा था उसमें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल पर पूछा गया था, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दे रखी तो उसका एरिया पूछ रहा था, वो पूछा गया था वो जीता। तो आपने देखा किस तरह के क्वेश्चन 17 जनवरी 2019 रेलवे कॉन्स्टेबल एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए, कैंडिडेट से बताया भी और आपने देखा भी। अब नेक्स्ट एग्जाम में मिलेंगे और आपको बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, क्या लोग करके आ रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएँ, जैसे जब भी नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मैं हूं अमित करता हूं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ के लिए।